ऐसा दिखेगा, इतना बड़ा एक सेटअप मिलेगा। तो आप ऑब्वियसली उनमें लगा सकते हो, प्रॉपर जलता है भाई ये। फ्लैशिंग वार्निंग LED S1 वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आप देख रहे गेट इंस्टॉल। आज की इस एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ छोटे मोटे हर तरीके के देने वाला हूं आइडिया। कुछ लेकर आए हैं नई एक्सेसरीज जो आप इंस्टॉल कर सकते हो इजीली अपनी कार के अंदर। ज्यादातर होंगी DIY जो कि आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो। सीधी सीधी कुछ चीजों की रिप्लेसमेंट भी है, बाकी कुछ चीजों के लिए अगर आप चाहते हो तो अपने किसी भी लोकल वर्कशॉप या कहीं जाकर करा सकते हो। आज मैं यहाँ पर बहुत सारा सामान सजाए बैठा हूँ, बताए बैठा हूँ कहाँ से ले सकते हो कहाँ से नहीं। कॉन्टेक्ट डिटेल, वेबसाइट, सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो बड़े इजीली आप खरीद सकते हो। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा हमारे बहुत सारे सामान जो कि रखे हुए हैं यहाँ से वहाँ तक बिछाए हुए, इसके बारे में चर्चा करूंगा आज मैं, क्या क्या आप खरीद सकते हो लगा सकते हो अपनी एक कार के अंदर। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि वहाँ पर हॉर्न्स के कुछ आइडिया है, कुछ लाइट्स के आइडिया है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी कार में खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि मैं ऊपर की तरफ से शुरुआत करूं। इधर की तरफ देख सकते हो भाई, यहाँ पर छोटी चीज़ से हम स्टार्ट करेंगे जो कि छोटा सा पैनल हमने ये बनाया। यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा कुछ मोबाइल के चार्जर्स हैं जो आप लगा सकते हो, कुछ मल्टीपर्पज फोम है जो आप लगा सकते हो, डैशबोर्ड पॉलिश है जो आप लगा सकते हो, मतलब ले सकते हो ऑब्वियसली। यहाँ पर HID कन्वर्जन किट है वो ले सकते हो, अगर आपको स्पीकर अपग्रेड कराना है वो कर सकते हो। वहाँ पर रखा हुआ है एक एंड्रॉयड, अगर आप वो लगाना चाहते हो लगा सकते हो। ये तो वैसे खैर आइडियाज़ हैं कुछ, लेकिन इसकी मैंने एक डेडिकेटेड एंड्रॉयड वगैरह इन चीज़ों के ऊपर HID के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ की तरफ आप देख सकते हो मैंने कुछ बॉक्स सजा रखे हैं, ये मारुति, महिंद्रा, टोयोटा, बलिनो, क्रेटा, स्कॉर्पियो, किया, टाटा, ये सब क्यों लिखा है मैं आपको सबसे पहले तो ये निकाल कर दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली में कार की वेलकम साउंड है। लेट सपोज आप अपनी कार के अंदर घुस रहे हो और जैसे आप इग्निशन ऑन करोगे तो ये एक लगा हुआ बजर है, तो भाई यहाँ पर मैं चाहूंगा, ये मैंने निकाला है इधर देख लो भाई, रॉयल इनफील्ड का। लेट सपोज आपके पास बाइक है और आप अपनी बाइक को ऑन कर रहे हो, अपनी बुलेट को ऑन कर रहे हो, रॉयल इनफील्ड की कोई भी आपके पास बाइक उसे ऑन कर रहे हो, तो कुछ इस तरीके का आपको साउंड सुनने को मिल जाएगा। इसमें दो वायर्स है बहुत सिंपल, एक ग्राउंड की है और दूसरी पॉजिटिव। वेलकम टू रॉयल एनफील्ड, हैप्पी जर्नी। रॉयल इनफील्ड का ये था, तो यहाँ पर ये थार के लिए सेम चीज, वो थार के लिए बोलेगा वेलकम टू थार, हैव अ हैप्पी जर्नी। अगर आप वही लेगो, वही अगर आप बलिनो के लिए लोगे तो बोलेगा वेलकम टू बलिनो, सेफेस्ट कार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये स्कॉर्पियो है, ये बेसिकली हम वेलकम एक्सपीरियंस बोल सकते हैं या फिर वेलकम साउंड बोल सकते हैं, इग्निशन साउंड बोल सकते हैं, जो आपकी कार आपको बोलेगी, जिससे आपको कम से कम ऐसा महसूस होगा या कोई भी बंदा आपकी कार में बैठेगा तो कहेगा यार मजा आ गया भाई, तू ये चीज कहां से लाया है, या तेरी कार में चीज बोल रही, मेरी कार में नहीं बोल रही। तो ये बहुत सस्ती आइटम है, बहुत ही सस्ते रेट में को मिल जाएगी। ये टाटा टियागो के लिए आप लगाओगे तो वो यही सेम चीज बोलेगा, वेलकम टू टाटा टियागो, सेफेस्ट कार एक्सेट्रा वगैरह। नेक्सॉन के लिए भी वैसे ही बोलेगा, जैसे ये 1000 का है, ये 1000 का है, तो आपको थार के लिए चाहिए वो 1000 रुपए का है। कोई नेगोशिएशन या अच्छा डिस्काउंट चाहिए होगा तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाओ, कॉल लगाओ, फोन करो, या वेबसाइट से भी आप कूपन कोड के थ्रू भी परचेस कर सकते हो। खैर नेक्स्ट आइटम अपने पास, इधर आप देख सकते हो बहुत सारे की चेन्स हैं, इधर की तरफ भी देख सकते हो अलग अलग कलर में, ह्यूंडई होंडा, ह्यूंडई के अलग अलग, महिंद्रा के लिए है, तो ये आप खरीद सकते हो अगर आप चाहते हो तो। भाई बड़े इजीली मिल जाएगा आपको ये 50 से 100 रुपए के, बाकी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के ऊपर भी चीजें मैटर करती है क्या आप ले रहे हो। इग्निशन के बटन को आप ऊपर से लगा सकते हो, जैसे कि एक ये है, ये यहाँ पर स्टिक होता है, टेप आती है इसके साथ, उसको आप अपने इंजन के स्टार्ट और स्टॉप बटन पे लगा सकते हो। और जब भी आपको अपनी कार लेट सपोज स्टार्ट करनी है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये लगाओगे तो आपको हर बार हटाना पड़ेगा, आप ऐसे करके भी छोड़ सकते हो। कोई प्लास्टिक की क्वालिटी में, तो ये कार्बन फाइबर जो है ये लोहे का है, आपको जैसा चाहिए आपको वो मिल जाएगा, कैप्टन अमेरिका की ढाल भी मिल जाएगी। कुछ परफ्यूम्स है मेरे कहीं ना कहीं फेवरेट रहे हैं, ऐसे वाले परफ्यूम्स, ये एक महीने आराम से चल जाते हैं। दूसरा लेना चाहते हो तो भी वो ले सकते हो आप, आपका ये खत्म हो, आपने ये वाला ले लिया, फ्लेवर्स भी लिखे हुए हैं ये। आप अगर बल्क में ले रहे हो तो 50 में मिल जाएगा, अगर आप ले रहे हो सिंगल पीस एक तो आपको 100 रुपीस का ही मिलेगा। तो ऑब्वियसली अगर आपको ये चाहिए हो, चाहे दो तीन चीजें इकट्ठी चाहिए हो, जैसे ये भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ऐसे भी आप ले सकते हो। यहाँ उधर की तरफ जाना चाहूंगा मैं, फुदक के वहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है क्रेस्टा, टोयोटा, फॉर्च्यूनर, तो वो शेडो लाइट है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, दिखाता हूँ क्या, आ जाओ। 3D शेडो लाइट ये वाला है मर्सिडीज के लिए भाई, शेडो लाइट आती है। और इसके अंदर क्या होता है, जब भी आप कार का दरवाजा खोलते हो उसमें एक नॉर्मल लाइट जलती है पीले कलर की, उसको रिप्लेस कर सकते हो आप। और जब ये जो है नीचे की तरफ फोकस करेगा, मतलब सामने आपको रेड लाइट तो मिलेगी, उसी के साथ ये नीचे भी दरवाजे के भी फोकस करेगा और वहां पर मर्सिडीज का लोगो बना हुआ आएगा। तो ये सीधी सीधी रिप्लेसमेंट है। यहाँ आप देख सकते हो एक प्लग है, यही सेम प्लग आपको अपनी मर्सिडीज में मिलेगा। लैंड क्रूजर या लेक्सस होगी, BMW हो गई, फॉर्च्यूनर होगी, टोयोटा होगी, क्रिस्टा हो गई, डिफरेंट कार्स के लिए अवेलेबल होते हैं। आपको चाहिए हो तो ऑब्वियसली आप इंक्वायरी करना। ये सिंपल सिंपल रिप्लेसमेंट है, इससे कोई वारंटी वॉइड नहीं होती, चाहे आपके पास कितनी ही महंगी कार क्यों ना हो। तो इस आइटम
बॉटम को आप देख सकते हो, एक ये रहा और दूसरा इसी के साथ ये रहा, तो दो आते हैं, दोनों दरवाजे के लिए आते हैं फ्रंट के। ऑब्वियसली दोस्तों ये कपलर टू कपलर है, इधर देख सकते हो भाई सीधी सीधी इनकी रिप्लेसमेंट है। तो ये जो आइटम है 1000 से 1500 रुपए के बीच में वेरी करता है इनका प्राइस। मर्सिडीज का है तो उसके 1000-1500 रुपए के बीच में हो सकता है, हो सकता है मे बी ऑडी या फिर टोयोटा का सस्ता हो, फॉर्च्यूनर का, बाकी डिपेंड करता है स्टॉक कैसा है। तो 1000 से 1500 के बीच में आपको मिल जाएगी। जब आप दरवाजा खोलोगे नीचे की तरफ मर्सिडीज का लोगो आएगा और यहाँ नॉर्मल लाइट तो आएगी। ये लाइट रिप्लेस करके नॉर्मल जो उसमें बल्ब आता है उसकी जगह एलईडी लगी हुई है, इसे आप खरीद सकते हो अगर आप अपनी कार में लगाना चाहो तो। इसके बाद नेक्स्ट आइटम जो हमारे पास है दिखाने के लिए आपके लिए, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं होंडा लिखा है तो कहीं किया लिखा है, कहीं हुंडा लिखा है तो कहीं महिंद्रा, कहीं टाटा लिखा है तो कहीं टोयोटा, कहीं रेनॉल्ट लिखा है तो कहीं सुजुकी। ये क्या है एग्जैक्टली बताता हूँ आपको, मैंने सुजुकी वाला उठा लिया ठीक है। इसका डब्बा बॉक्स कुछ ऐसा आता है, ये कहता है हाई डेफिनेशन वायरलेस वेलकम लाइट। ये सुजुकी एसयू लिखा हो तो सुजुकी के लिए, RE फॉर रेनॉल्ट, TA फॉर टाटा, ये है सेल ऑपरेटेड। ये मिलता है सस्ता उसके कंपैरिजन में क्योंकि वो है कंपनी का जो OEM है उसकी रिप्लेसमेंट, और ये वो है जो आप कभी भी अपनी कार में लगा सकते हो, निकाल भी सकते हो, लगा भी सकते हो। तो भाई देखो ये कुछ ऐसा आता है, देखने में कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर एक प्रोजेक्शन के लिए ऐसे घुमा के दिखाता हूँ, देखो सुजुकी का लोगो बन रहा है इसके अंदर। जब ये जलेगी प्रोजेक्शन नीचे की तरफ आपके सेम दरवाजा खुलते टाइम पर, तो ये वहाँ पर आपको सुजुकी का ऑप्शन दिखाएगा, सुजुकी दिखाएगा एक्चुअली में नीचे आपके डोर के नीचे बनता हुआ। तो दोनों दरवाजे के लिए एनीवे आपका ये काम करता ही करता है, जो जो टेप्स वगैरह है सब कुछ आती है, बस आपको सेल लेना पड़ेगा। जो इसका प्राइस है वो 500-550 रुपए का है बस, इससे ज्यादा नहीं, बहुत सस्ते प्राइस में आपको चीज मिल जाएगी। तो आप लगा सकते हो 250-250 रुपए की एक साइड होती है, बाकी सेल आपको खुद खरीदने हैं और आप इसे DIY खुद इंस्टॉल कर सकते हो अपनी कार के अंदर। तो आपके पास एनीवे चाहे रेनॉल्ट हो, टोयोटा हो, हुंडई की कोई गाड़ी हो, महिंद्रा की हो, होंडा हो, किया हो, टाटा हो, सब में लगा सकते हो आप। तो आपके लिए ऑप्शन भी बहुत अच्छा है अगर आप अपनी कार के अंदर चाहते हो कुछ डिसेंट से अपग्रेड जो आप अपने हाथ से खुद कर सको। तो इसके बाद नेक्स्ट इधर देख सकते हो भाई अल्ट्रा थिन लाइट है। तो भाई ऑब्वियसली बताऊं इन चीजों के बारे में, ये लाइट्स हैं, इनको आप लगा सकते हो अपनी हेडलाइट के ऊपर, चाहे आप इन्हें टायरों के ऊपर लगा सकते हो चाहो तो, कभी भी जो आपके टायर ऐसे फ्लोट करते हैं इंडिकेटर पर ब्लिंक करते हैं तो वो भी लगा सकते हो। इंस्टॉलेशन गाइड वगैरह सब कुछ यहाँ पे है ही है, 550 की मिलेगी भाई ये अगर आप लगाना चाहते हो तो, बढ़िया ऑप्शन है। इसको रखते हैं हम साइड, नेक्स्ट उठाते हैं इस एक चीज को, ये है मल्टी फंक्शनल LED साइड लाइट। एक बार मैं निकाल देता हूँ इसको, लेट सपोज आपके पास स्विफ्ट है, डिजायर है, ऑल्टो है जिसके अंदर एनीवे इंडिकेटर आता ही है, या फिर अगर आप नहीं भी आता है तो आप चाहते हो कुछ इस तरीके के इंडिकेटर्स को अपग्रेड करना जिसके अंदर LED है, यहाँ नीचे देख सकते हो LED है, और LED के साथ साथ भाई ये फ्लोट भी करता है। इसके अंदर आपको 3-4 तार मिल जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 तार इसमें पावर की है, बाकी सारी लाइट जो है इंडिकेटर, फ्लोट और DRL की है। ये आइटम जो है 1400-1500 में मिलता है, और जो भी आइटम मैं आपको दिखा रहा हूँ इस एक वीडियो में, सिंगल आइटम भी चाहिए आप ले सकते हो। डिलीवरी जो है उसकी एक्सक्लूडेड होगी, अलग से आपको डिलीवरी के पैसे पे करने पड़ेंगे, पिन कोड के बेसिस पे जो भी आपकी डिलीवरी बनेगी पॉसिबल वो आपसे चार्ज करी जाएगी, तो आप उसके बेसिस पर ही खरीद सकते हो इस एक आइटम को। ये है वार्निंग लाइट, सपोज आप कभी भी कार खोल रहे हो और पीछे से कोई बंदा आ रहा है जिसको नहीं पता कि आप दरवाजा खोल रहे हो, तो ये जो लाइट से एकदम ब्लिंक करने लग जाते, हो सकता है कि बंदा इसको देख ले पहले आपका दरवाजा खोलने के टाइम पर, जो भी लाइट ब्लिंक करे, कुछ ऐसे काम करती है। चाहे आप 2 ले लो चाहे 4 ले लो, ठीक है, चारों दरवाजों में लगानी है तो 4 ले लो, अगर दोनों दरवाजों में फ्रंट के लगाने हैं तो 2 भी ले सकते हो। तो जब आप इसे लगाओगे इसके साथ इसके सेल आते हैं, और ये कुछ ऐसी दिखती है, दरवाजे के ऊपर आपके लग जाती है, जब भी आपका दरवाजा खुलेगा तो कुछ ऐसे जलने लग जाएगी, पास आएगा तो ये बंद हो जाएगी, देख सकते हो, पीछे हटाऊंगा तो दोबारा जल लग जाएगी, यानी इसके साथ एक मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट जैसे ही टच में आएगी तब ये बंद हो जाएगी एनीवे, यानी इसका सेल जो है बेफालतू में कंज्यूम नहीं होगा, तो इसलिए इसकी बैटरी भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। यहाँ देख सकते हो भाई, कॉन्टैक्ट में आएगी तो बंद हो जाएगी, नहीं आएगी तो जलती रहेगी। ये मिलेगा आपको 450 रुपए का, 450 रुपए के 1 और 2 है, अगर आपको ये 2 लेने हैं तो आपको 450-450 प्लस इनकी जो डिलीवरी लगेगी वो पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जाता हूँ मैं नीचे की तरफ, जहाँ पर मैं आपको सारे हॉर्न्स रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली में कौन कौन से हॉर्न्स है जो आप अपनी कार के अंदर लगा सकते हो। एडिशन का हो नहीं, अगर बात आती है कुछ ऐसी इसकी क्वालिटी है, अपने बेसिस पे आप इसे ऑर्डर कर सकते हो, पड़ जाएगा आपको ये 650 रुपए का। इसके अंदर कुछ रिलेज वगैरह है वो भी आपको साथ ही लेनी पड़ती है इसके, तो वो एडिशनली इसमें ऐड होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो अपनी बाइक स्कूटी कार के अंदर लगा सकते हो वो है ये T90 का हॉर्न, कुछ ही ऐसा दिखता है, दिखने में कुछ ही ऐसा दिखता है। ये मिलेगा आपको 700 का, बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको। छोटे छोटे से यहाँ अपनी बाइक वगैरह के अंदर भी लगा सकते हो अगर आप चाहो तो, मिल जाएंगे आपको 800 रुपए के। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास है हाइड्रोसोनिक, ये मिल जाएंगे आपको 1000 रुपए के, सबसे बढ़िया चलते हैं, बहुत बढ़िया वर्क करते हैं इनके। बात हॉर्न की चल रही है तो ये हैं कुछ प्रेशर हॉर्न्स, को लगाना हो तो एक बार मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। ये ज्यादातर आपको ट्रक्स वगैरह में देखने को मिलेगा, अगर आपके पास कोई ट्रक वगैरह है तो आप उसमें ऑब्वियसली लगा सकते हो, हाईवे पे अगर आप ड्राइव करते हो तो हाईवे के लिए भी आप लगा सकते हो इसको। बजा के दिखाता हूँ आपको कैसा है, इसके अंदर बेसिकली प्रेशर क्रिएट होता है थ्रू दिस पावर और तब जाके ये यहाँ से हॉर्न करते हैं, ये जादू।
अभी तो हम इसे एसी सप्लाई पे चला रहे हैं, लेकिन जब आप डीसी पे चलाओगे तो बहुत तेज बहुत लाउड है। मिलेगा आपको ये 2000 रुपए में 3 हॉर्न, जिसमें एक ये ऐसी मोटर भी रहती है इसकी, डायरेक्ट डीसी सप्लाई में कनेक्ट होता है ये। 2000 रुपए का मिल जाएगा आपको बड़े इजीली, कुछ ऐसा नजर आता है। अपने ट्रक बस वसों के अंदर भी आप इसे लगा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है ये सिंगल वाला, ये ज्यादातर आपने हरियाणा रोडवेज की बसों में देखा जरूर होगा। इसके बारे में बात करता हूँ, मोटर है सेम और ये सिंगल टोन के अंदर बजेगा। मुझे पता है वीडियोस दिल्ली पुलिस वगैरह से भी देखी जाती होगी, तो अगर ऐसा कुछ भी चाहिए हो, लगाना चाहो अपने प्रोफेशनल वर्क के अंदर, सायरन वायरन हूटर वूटर, तो उनके लिए भी ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। एनीवे इधर देखो, ये छोटी सी हम हूटर बोल सकते हैं, बाल्टी बोल सकते हैं। इसमें आता है कुछ ऐसा रिमोट, इसको आप लगा हटा भी सकते हो। एक बार चला कर आपको दिखाता हूँ इसकी आवाज कैसी है। तो भाई ये देख सकते हो, ऐसी चीजें काम में आ जाएंगी आपके, मिल जाएगा 1500 के आसपास का। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास वीआईपी सायरन, इसको हम प्रॉपर बाल्टी बोल सकते हैं। इसको एक बार निकाल कर बजाते हैं, आवाज कैसी आती है। इसके अंदर कोई टोन चेंज नहीं होती, ना ही माइक है, तो सिंपल सिंपल बजेगा। जस्ट इन केस आपको जरूरत है, लगा सकते हो आप अपनी कार के अंदर। ये मिलेगा आपको 800 से 900 रुपए के बीच, डिलीवरी एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट अपने पास है यही सेम हॉर्न, जो कि आता है प्रॉपर कुछ इस तरीके के रिमोट हॉर्न के साथ, को आप दबाते हो ये वर्क करता है। यहाँ पर माइक लगा हुआ है, इसमें डिफरेंट तरीके की ट्यून्स है। इसके साथ ही एक एम्पलीफायर भी आता है, यहाँ आप देख सकते हो, जो यहाँ पर है बड़ा सा भारी सा, इसके अंदर इसका स्पीकर लगा हुआ है, क्योंकि इसका रिमोट है, इसके अंदर प्रॉपर कंट्रोलर है, एम्पलीफायर है, वायरिंग है। तो एक बार मैं चाहूंगा ये आप क्लियरिटी ले लो, आपको ये वाला लगाना है, कौन सा लगाना है, इसको एक बार कनेक्ट करते बजाते आइए। ये डीसी पर ही चार्ज होता है, यानी इसके साथ एक 5 वोल्ट 1000 एमएच का चार्जर दे रखा है, जो सिगरेट लाइटर पोर्ट के अंदर कनेक्ट होता है। इसके साथ एक डाटा केबल दे रखी है, यहाँ पुराने जमाने वाली देख सकते हो, ये जो डाटा केबल इसके साथ दे रखी है, इस डाटा केबल को इसमें लगा के इसे सिगरेट चार्जर के अंदर लगाओ तो ही इसे चार्ज करो। अदरवाइज अगर आप ऐसा सोचते हो कभी इसे चार्जर से चार्ज कर लेना डायरेक्ट, तो उससे बहुत चांसेस रहता है लाइकली कि ये रिमोट खराब हो सकता है। तो रिकमेंड रहता है जो इसके साथ गिवन चार्जर और गिवन डाटा केबल है उसी से इसको ऑपरेट करो, चलाओ। इसमें यहाँ पर वॉकी टॉकी वाले ऑप्शन है, इसको दबाते हो तो ये माइक सुनने लग जाता है। भाई बहुत लाउड है भाई, अगर मैं ये जो बटन दबाऊंगा ना यहाँ पर, ये बहुत क्लोज रेंज में है, तो इसमें आवाज मेरी माइक की नहीं उठाएगा, इसी की उठाने लग जाएगा। देखो ये तो भाई ये जो आता है बैटरी से करंटली तो इस पर कनेक्टेड है, क्योंकि ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज हो जाएगा तो डायरेक्टली भी चल जाता है इससे। तो आप अपनी एम्बुलेंस के अंदर लगा सकते हो, जिप्सी में लगा सकते हो, जो भी ऑथराइज व्हीकल है उनमें लगा सकते हो, बाकी अनऑथराइज अगर कोई लगाना चाहे तो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर मैंने इसकी बात कर ली, दिखा दी आपको। इसकी प्राइस रेंज जो है ये पड़ेगा आपको, इसकी जो प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 3500 रुपये का होता है ये, जिसमें एम्पलीफायर, ये इसकी सारी वायरिंग किट, चार्जर, डेटा केबल और ये एक भारी सा सायरन में मिलता है इसके अंदर। तो आप कंपेयर कर सकते हो, जॉन से भी सायरन की जरूरत हो जिस किसी भी काम में, आप उसको अपने काम में ले सकते हो। पुलिस लाइट्स की बात करना चाहूंगा, आप इनकेस अपनी कार में लगा चाहते हो तो कौन से लगा सकते हो। बात करते हैं ये वाली से, कुछ ही ऐसी दिखती है, छोटी छोटी सी होती है ये, आप अपनी कार की फ्रंट ग्रिल पे लगा सकते हो इन्हें, और ये लुपलुपाती है, फ्लैश करती है, दिखाता हूँ आपको कैसे। इसके साथ ये रिमोट भी आता है छोटा सा, जिसमें चार ऑप्शन होते हैं ABCD के, कुछ ऐसा ये जलेगा। ये जो इसके साथ रिमोट आ रखा है इससे आप इसे चेंज भी कर सकते हो, देखो मैंने बी दबाया तो ये चलेगा, सी पे ये जलेगा स्टॉप हो जाएगी, फिर ये बी पे ऐसे जो लुप लुप आएगी, ये देखो तीसरी चौथी पांचवी छठी स्टॉक हो गई। सी पे इसके दूसरे फंक्शंस हैं, इसमें आई थिंक सी पे इसकी ब्राइटनेस है, बहुत ही प्यार से आप इसे अपने घर तक भी मंगवा सकते हो, 1000 रुपये में मिलेगी ये। इस रिमोट को खोलना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो अंदर भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ये इस पे भी काम करे, चाहे चालू हो बंद हो, इसे आप अपने किचन के साथ लगा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन ये है, इसको आप फ्रंट विंडशील्ड पे लगा सकते हो, जैसे कि वो मैंने दिखाया फ्रंट ग्रिल पे लगा सकते थे, यहाँ पर इजिली लगा सकते हो सिगरेट लाइटर पोर्ट के अंदर। जलती हुई कुछ ऐसी दिखती है, फंक्शन चेंज भी होते हैं, फिर चेंज करते हैं, ऐसी हो गई, फिर चेंज करते हैं। के बाद नेक्स्ट जो फ्लैशर है अपने पास, इसके साथ इसकी प्रॉपर फिटिंग आती है लगाने की, आपको कब्जे पे लगाना है, ग्रिल पे लगाना है, अंदर लगाना है कार के, बाहर लगाना है। इसके साथ कुछ ऐसा प्रीमियम क्वालिटी का रिमोट है, अगर आपको अपनी कार के लिए लगाना हो। पर इसके भाई प्रॉपर इधर देख सकते हो, जितनी भी फिटमेंट है प्रॉपर जलता है भाई ये। इसके अंदर आपको चेंज करना हो, ऑन ऑफ करना हो, ये है वाइट भी जलती है, इसका ये फायदा है। इसे एज ए LED भी यूज़ कर सकते हो, देखो भाई दोनों एकदम इक्वली जल रही है, ऐसे ब्लिंक भी करती है, कॉन्स्टेंट भी हो जाती है, ये देखो ब्लिंक भी करने लगी, कॉन्स्टेंट हो गई, यहाँ पे रेड और ब्लैक हो गई, रेड और ब्लू भी हो गई, ऐसे जलने लगी है। ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए यूज़ करनी है तो वाइट LED बहुत हेल्पफुल है इसकी, सही जल रही है, नो डाउट कोई इशू नहीं है। बंद भी कर सकते हो, छुपा भी सकते हो आप अपनी कार के अंदर, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है,
दिखने में अच्छी है, फिटिंग सारी है लोहे में मेटल में, 2200 से 2500 के बीच में आपको ये मिलेगा, बाकी डिलीवरी एक्स्ट्रा लगेगी इसकी। ऐसा मत समझना कि ये इतना महंगा क्यों है, महंगा नहीं भाई, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये एक रीजन है। रिमोट इसके साथ एक आएगा, कहीं आप सोचो दो तीन रिमोट आते हुए, कार वाला सीन नहीं है, फेडरल सिग्नल है ये। और जो मैंने आपको ये वाला दिखाया था इसी सेम ब्रांड की ये भी है, तो आप ये और ये ऑप्शन की तरफ जा सकते हो अगर आपको लगाना है ऐसा कुछ। और खैर इसको करते हैं हम साइड फिलहाल के लिए, एक ये बचती अपने पास जो आप लगा सकते हो, जो आप अपनी कार के अंदर फ्रंट की तरफ लगा सकते हो, कुछ ऐसी दिखाता हूँ कैसी है, आओ। तो भाई इसके पैटर्न चेंज करने के लिए यहाँ बटन दे रखा है, फ्लैशिंग वार्निंग LED S1 इसके अंदर, क्योंकि 9 बल्ब है, ये 1300-1400 के आसपास मिलता है, क्योंकि ये ट्राई कलर है। इसके अंदर जो अभी मैंने आपको दिखाया जस्ट उसका एक ऑल्टरनेटिव है ये, तो आप इसे जैसा चाहो वैसा यूज कर सकते हो, जिस भी काम में चाहो वैसे यूज कर सकते हो, लगा सकते हो। जो ये एम्बेंट लाइट है इसके 5 प्रोजेक्शन है, मतलब इसमें ऐसे 5 मिल जाएंगे आपको, हर किसी की कुछ ऐसी एक मॉड्यूलर है, ऐप कंट्रोल है ये, यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रिप है एक्चुअली में इसको आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे इस एक एरिया के अंदर, जो आपके पैर हैं यानी फुट लाइट है वो कुछ ऐसी दिखती है, इसको आप अपने पैर के पास लगा सकते हो। मैंने भी अपनी वैगनार में लगाई थी, खैर वीडियो लिंक ऊपर आ रहा होगा देख सकते हो जाके, वो पैर वाली थी। आपको अपनी कार के अंदर भी लगानी हो, डोर जो होते हैं उनमें हम इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इन स्ट्रिप्स को लगाते हैं, तो आप ऑब्वियसली उनमें लगा सकते हो, क्योंकि ये है ऐप कंट्रोल, अपने ऐप से कंट्रोल कर सकते हो, कलर्स को कर सकते हो चेंज। ये है प्रॉपर कार्डी की दोस्तों, इसकी कोई वारंटी नहीं आती, बस ये रहेगा ये प्रॉपर काम करेगी चलेगी, डब्बा बॉक्स कुछ ऐसा आता है कार्डी का। और भाई जैसा मैंने अंदर से दिखाया विद दिस, ये वारंटी कार्ड, ये सब कार्डी की पहचान है। इवन इसके साथ साथ यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी कार्डी लिखा हुआ है, इसके सारे स्पेक्स एनीवे लिखा है, इसकी क्वालिटी रिफाइन है। बाय द वे ये आपको मिलेगी करीब 5500-6000 रुपए की। इसके बाद नेक्स्ट जो एम्बेंट लाइट है मेरे पास वो है कुछ ऐसी दिखने वाली, ये है दोस्तों स्मोक वाली, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ऐसी। इसकी जो लाइट है मतलब जो एक्चुअली रिफ्लेक्शन है, वो डे के टाइम तो बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगी कि आपने कुछ लगा रखा है। ये जो क्लियर वाली है इसकी लाइट एनीवे ज्यादा अच्छी नजर आती है, इसके कंपैरिजन में 30% कम रिफ्लेक्शन होता है इसका। इसमें आप एनीवे इसको एक सिंगल ऐप कंट्रोल से चला सकते हो। वायरिंग इसकी बहुत सिंपल है, ये रहा हमारा एक के साथ आता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव सिंपल जोड़ो, चाहे आप ऊपर से जोड़ दो इग्निशन से जोड़ दो चल जाएगा। ये टूल्स इसके साथ ही आते हैं, वारंटी कार्ड अगर आपको कंफर्म करना हो कार्ड या नहीं है, ये रहा। इसके अंदर दोस्तों दो डिजाइन आते हैं सेम, 5 पीसेस ये स्मोक है, सेम यही 5 पीसेस क्लियर में भी आती है, यानी ये जो स्ट्रिप्स हैं ये एनीवे हर किसी की अपनी अपनी सोच है कि वो क्लियर लगाना चाहते हैं ऐसी, वो तो एक डिफरेंट कैटेगरी है, लेकिन इसमें भी 5 पीसेज आती है जो क्लियर होती है। जो कंपैरिजन मैंने आपको बताया वो था एग्जैक्टली में इस एक के साथ जो क्लियर आती है उससे और इसका कंपैरिजन, ये मिलेगी आपको 3000। वो वाली जो आती है वो भी आपको 3500-3000 रुपये के बीच में ये दोनों मिल जाती है। नेक्स्ट अपने पास ये होती है LED कुछ ऐसी होती है, एनीवे ये चाइनीज है बट इट इज़ लोटस लैंटर्न, ठीक है। इसमें कार्डी में सब में हैप्पी लाइटिंग यूज़ होती है, इसमें लोटस लैंटर्न यूज़ होती है। एनीवे चाइनीज वो भी है और ये भी है, आप डिसाइड कर सकते हो। ये आपको मिलेगी 1500 रुपए की और वही वाली आपको मिलेगी जो 5 पीसेस की है 3000-3500 की। आपके ऊपर है आपको ये लगानी है वो लगानी है, ये सस्ते में अच्छा टिकाऊ बजट है, सही आती है एनीवे, दिखने में बढ़िया है, आपका कोई स्टार्टिंग है आपको इनके एक्सपीरियंसेस लेने हैं कुछ टाइम के, तो 1500 में ये लगा लो, कोई अच्छी चीज़ लगानी है बजट अच्छा है तो वो भी लगा सकते हो। नेक्स्ट एम्बेंट लाइट ये रही, सेम वही चीज़ है, कुछ खास फर्क नहीं है। इसके अंदर एनीवे आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये है कार LED। इसकी जो है एक्चुअली में एप्लीकेशन है वो भी लोटस लैंटर्न है। ये वाली जो मैंने आपको दिखाई इसमें भी लोटस लैंटर्न ही आपको मिलता है, बस थोड़ा सा क्वालिटी का फर्क है। इसमें जो स्ट्रिप्स है वो अंदर से ऐसे पिरोनी पड़ती है और इसमें लगी लगाई आती है। जो छोटा सा कंपैरिजन है वो आप अपने बेसिस पर खुद कर लो। ये वाली जो है आपको 2 से 2500 रुपए के बीच में मिलेगी, इसके अंदर स्ट्रिप नहीं घुसती, वो अंदर ऐसी रहती है और काट पीट के इसको लगाना पड़ता है। तो इसकी क्वालिटी एनीवे रिफाइन है उससे, और इसकी क्वालिटी एनीवे रिफाइन है इससे, इससे और बाकी सबसे। नेक्स्ट है दिखाने के लिए LED डेकोरेशन कार लाइट एटमॉस्फेयर लाइट कुछ भी बोल लो, मैंने अपनी वैगनार में भी लगाए थे। इसके अंदर 8 कलर्स आते हैं, ऐसे लगा सकते हो इसको आप USB पोर्ट के थ्रू, DIY भी, एप्लीकेशन ऐप कंट्रोल वाली आती है। ये जितने भी इनको चिपकाने के लिए इसमें मिलता है आपको ग्लू वगैरह, यानी सारे टूल 1000 रुपए की आपको मिलेगी भाई। खुद लगाना चाहो खुद भी लगा सकते हो, मतलब खुद भी आप इसे एनीवे लगा सकते हो। सिगरेट का जो चार्जिंग पोर्ट होता है आपको उससे लगा सकते हो, अगर ये काट के आपको डायरेक्ट करवानी है इग्निशन से या फिर स्विच से ऊपर की लाइट से वो भी करवा सकते हो। ऐप कंट्रोल है तो आप सोच सकते हो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, नॉर्मल भी लगाते हो आपको
वो भी आपको 500-550 रुपए तक की मिलती है। तो मैंने आपको मैक्सिमम चीजें सारी दिखाई दी। इसके बाद अपने पास LEDs के ऑप्शंस हैं जो आप लगा सकते हो। M617 ये बाय LED प्रोजेक्टर है बाय IPH कार। अगर आपको प्रोजेक्टर लगाना हो जिसमें HID है तो वो उसके लिए आप M612 चूज कर सकते हो। M617 इज फॉर बाय LED, ये LED है, ये HID है। इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर मिलता है, खाली इसके अंदर प्रोजेक्टर मिलता है। आप कंपेटेबल जो भी HIDs हो वो लगा सकते हो। दिखता है कुछ ऐसा, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। इसके अंदर कुछ नहीं होता, सीधी सीधी तार होती है, उसे आप जोड़ो और ये सीधे सीधे चलने लग जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको बल्ब और बैलेंस दोनों की जरूरत पड़ती है। जादुई हाथ आ गया मेरे लिए। एक है क्लियर लेंस में, एक है ब्लू लेंस में, तो आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। जो ब्लू लेंस है वो 2500 का है, क्लियर लेंस है जो 2000 रुपए का है। इधर की तरफ इसकी बात करूं, जो IPH कार बाय LED फॉग लैंप है, ये आपको 6500 का मिलेगा। खैर इसको आप लगा सकते हो, सीधा सीधा जलेगा, इसमें आपको किसी भी ऐसी वैसी चीज की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल आप इसको सिर्फ तार से कनेक्ट करो पावर से अपनी, और ये चल जाएगा। इसमें आप इग्निशन का एक स्विच और छोटी सी वायरिंग के साथ आप इसे चला सकते हो। LED प्रोजेक्टर का एनीवे आउटपुट बहुत अच्छा है। बाय द वे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, लेट्स सपोज आपकी टॉप मॉडल है या मिड वेरिएंट की कोई कार है, उसके अंदर आप फॉग लैंप हटाकर इनको अपग्रेड करने जा रहे हो, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सीधी सीधी प्लग एंड प्ले चलेगी। अगर आपकी कार बेस मॉडल है बिल्कुल, तो उसके लिए आपको एक छोटी सी वायरिंग ऐसी लेनी पड़ेगी जो लगा सकते हो आप। खोल के दिखा रहा हूँ, आप ऐसी एक छोटी सी वायरिंग किट होती है जो आप लगा सकते हो। ये प्रॉपर वारंटी विद वारंटी आती है, ऐसा कुछ लगा लो उसके साथ चल जाएगी। ये 6500 की ये है। वायरिंग किट अलग से लेते हो तो उसकी स्टार्टिंग हो जाती है 800 रुपए से। वायरिंग किट के भी डिफरेंट ब्रांड है, तो आप स्टॉक की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी ले सकते हो। लास्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाया था रेट्रोफिट, बाय क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। का बैलेंस देख लो, ये रहा, एक ये सिंगल बैलेंस्ड है, एक ये प्रोजेक्टर है, एक ये अलग प्रोजेक्टर है, ये एक अलग आप कह सकते हो HIDs है इसके अंदर, और ये एक हमारा बैलेंस्ड है। इतना बड़ा एक सेटअप मिलेगा अगर आप किसी एक कार के लिए खरीद रहे हो तो, जिसके अंदर आपको मिलेंगे दो बैलेंस्ड, दो प्रोजेक्टर और इसके अंदर रखी हुई दो HID। ये HIDs हैं, प्रोजेक्टर मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखे हैं। अच्छा प्रोडक्ट है, लगा सकते हो आप अपनी गाड़ी में। देखने में कुछ ऐसा है भाई, चीज है लगाने लायक जो आप अपनी गाड़ी के अंदर लगाओगे। इधर देख सकते हो इसके स्पेक्स, DRL, LED, HID, बायजेनन लैंप्स। इसका सेटअप जो आपको पड़ेगा 14,500 रुपए का, उसका सेटअप बाकी मैंने आपको सब बता दिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फिर बताया था कि आप ओजूम लगा सकते हो अपनी कार के अंदर जस्ट इन केस चाहो तो। तो ओजूम का जो कुछ सेटअप है दिखेगा कैसा, ये दिखा देता हूँ। ऐसा दिखेगा देखने के लिए, प्रोजेक्टर्स ऐसे हैं, ऐसा दिखेगा। ये आपको 13,500 रुपए का मिलेगा। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, पंखा बंद करके बताई, पसीना आ गया भाई बताते बताते। इतनी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, आप लोगों को प्राइसिंग देने में, एक आइडिया देने में, क्या करा सकते हो, कितने का लगेगा, कैसे करा सकते हो अपनी कार में अपग्रेड, कितने का क्या मिलेगा। अब भाई हो सकता है कुछ लोग हेट फेंकने आए, आप अपना दिमाग यूज करो, आपको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना वो आप खुद डिसाइड करो। आपको LED प्रोजेक्टर लगाने हैं, आपको नॉर्मल प्रोजेक्टर लगाने हैं, फॉग लैंप लगाने हैं, क्या लगाना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। परचेज करना चाहते हो तो सारी की सारी डिटेल आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही नंबर फ्लैश होता हुआ दिखाई होगा। और बाकी आप परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई भी आइटम इससे रिलेटेड अपनी कार के लिए। बाकी बताना आपको वीडियो कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी, बहुत मेहनत लगी भाई इस वीडियो बनाने में। तो इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपना कमेंट जरूर एक ड्रॉप करके जाना, चाहे मेरे को बेशक से गाली बक दो कोई बात नहीं, कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि उनके लिए भी हो सकता है बहुत हेल्पफुल रहे। फ्रेंड्स, फैमिली, अंकल, या कोई नई कार प्लान कर रहे हो, या कोई लेने जा रहा है आपका फ्रेंड, तो उसको भी शेयर कर देना, ताकि आइडिया मिल जाए उसको कि ऐसा ऐसा होता है, इतने काम लगा सकते हैं। विद दिस एड करते वीडियो एंड। थैंक यू सो मच बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। थैंक यू, दिस इज योर होस्ट शाहरुख, बाय बाय। तुम्हारे देखो बांसुरी वाले बन गया है कोई नहीं भाई, तो गाय भाई इन्होंने आपको लेने भी चाह रहे भाई। मैंने पंखा तक बंद कर रखा था ताकि आप जितनी भी चीजें मैंने आपको